वेलकम गाइज, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पर बम्पर 62 पदों पर गवर्नमेंट जॉब रिलीज हो चुकी है। जी हाँ बिल्कुल। सो देख लेते हैं, यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट है, साथ में नर्सेज जेनेटिक केयर के भी यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। किस प्रकार से आपको घर बैठे अप्लाई करना है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं कहाँ की पोस्ट है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट निकली हुई है, वैसे तो साइकेट्रिस्ट की, जनरल फिजिशियन की, ठीक है। तो ये कहाँ के रहने वाले गाइज आपके, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। तो कारनूल से निकली हुई है और ये विज्ञापन आप देख सकते हो, और यहाँ पर 62 पदों पर निकली हुई है। ओके, तो देख लेते हैं गाइज, यहाँ पर नर्सिंग पैरामेडिकल वालों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और वैसे नर्सिंग वालों के लिए तो रोजाना आती रहेगी अपॉर्चुनिटी, और आप 100% हमारी गारंटी है जॉब लग कर ही मानोगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 7 में देखिए, स्टाफ नर्स सेक्रेटरी और नर्स फॉर जेनेटिक केयर, और यहाँ पर JNM BS नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 आपके यहाँ पर मंथ सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा और भी पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है गाइज, बट हमारा फोकस ओनली नर्सिंग वालों पे होता है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए गाइज, आपको ये जो फॉर्मेट दे रखा है ना, ये नीचे नीचे फॉर्मेट हमेशा दिया हुआ आता है, ये वाला फॉर्मेट आपको भरना होगा, ये वाला, ये देख लो, एप्लीकेशन फॉर्म है एक तरह से। इसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये आपको मेंशन करना होगा। आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो आपको यहीं पर मेंशन करनी होगी, कौन से ईयर में पास किया था, कितना परसेंट आपने बनाया, सब कुछ यहीं पर आपको मेंशन करना होगा। नाम, फादर्स नेम, हाउस, हिस्ट्री का आपका, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड नंबर, सब कुछ आपको यहीं पर मेंशन करना होगा। और ये देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने से भरनी होगी, सिग्नेचर आपको करना है, और इसको ऑफलाइन तरीके से आपको अप्लाई करना है। जी हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन तरीके से, यानी कि बाय डाक द्वारा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सारी प्रोसेस, और आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है वो भी हम आपको यहाँ पर अभी दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेथड ऑफ द सिलेक्शन देख सकते हो किस प्रकार होने जा रहा है, मेरिट के बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। एज यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पर एवरेज 42 यानी दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है गाइज, वो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हम कर लेते हैं, ये देखिए रिजर्वेशन भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है, और सिलेक्शन कमेटी भी यहाँ पर आप देख सकते हो। सो गाइज, जैसे आपका फॉर्म भर जाता है तो ये एड्रेस पे आपको भेजना होगा, ठीक है, इसी एड्रेस पे आपको भेजना होगा ताकि आपका अप्लाई हो जाए फॉर्म। सो गाइज, चलिए यहाँ पर हम फीस की बात कर लेते हैं, कितना एप्लीकेशन फीस आपका लगने वाला है। जनरल कंडीशन में 400, ठीक है, और जनरल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ना, उधर जो कैटेगरी होती है उनके 200 लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये फीस ज़्यादा नहीं है, इससे आप गवर्नमेंट जॉब लग सकते हो। हाउ टू अप्लाई में किस प्रकार से करना है, ऑफलाइन है आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और ये एड्रेस हमने आपको दिखाया था, लास्ट डेट यहाँ पर 15 सितंबर रहने वाली है। 15 सितंबर से पहले आपको अप्लाई करना होगा बाय पोस्ट, ठीक है, और इस दिए गए एड्रेस पर ही आपको ये पोस्ट करना है, ठीक है। और रही बात इस नोटिफिकेशन की, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा। सो गाइज, आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, MKS Bro 5 नाम से। यहीं पर आपको सारे PDF हम अवेलेबल करवा देंगे, और नर्सिंग फील्ड को सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।